कैलकुलेट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसलिए क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने सिर्फ किसके ऊपर काम किया, मैग्नीट्यूड के ऊपर, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर काम किया, और हम बात करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड के साथ किसकी, डायरेक्शन की। तो वेक्टर में बात करनी पड़ेगी। वेक्टर में करने के लिए सपोज देयर आर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू, डिस्टेंस ऑफ आर, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं। इस क्यू टू ने क्यू वन को रिपेल किया, कितनी फोर्स से रिपेल किया, एफ वन टू, वन टू का मतलब वन चार्ज पे फोर्स लगी, कितनी लगाई, टू ने लगाई। सिमिलरली इस Q1 ने Q2 को रिपेल किया, F21, कैसे रीड करना है, टू के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, वन ने लगाई। ये दो वेक्टर क्लियर हो गए। अब A का पोजीशन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से होता है। तो ओरिजिन से एक वेक्टर है कितना, R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली B का पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय R2 वेक्टर, ठीक, जो पोजीशन बताता है। ये भी क्लियर है? अब अगर मैं B से A की तरफ जा रहा हूं, या मैं चलो F12 वेक्टर की बात करता हूं, F12 की डायरेक्शन इस तरह है। तो नॉर्मली वेक्टर्स के अंदर ये सिखाया जाता है, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन होती है। आई कैप लगा दो, जे कैप लगा दो, के कैप लगा दो, इससे यह पता लग जाता है कि कोई वेक्टर एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, या सेट किसके अलोंग है। पर इसमें मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, तो मैंने अपना ही यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, कितना, आर वन टू। वन टू का मतलब कि एफ वन टू किस तरफ है, इस तरफ। वन टू का मतलब कि जहां फोर्स लग रही है वन टू, तो एफ वन टू वेक्टर। और आर वन टू का मतलब वन से लेके, मीन्स इस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर इज आर वन टू कैप। वन टू कैप की वैल्यू क्या रहेगी, वन। ये सिर्फ ये बता रहा है कि एफ वन टू वेक्टर की डायरेक्शन यहां होगी, दैट्स इट। सिमिलरली एफ टू वन वेक्टर ये रहा, तो इमेजिन कर लो एक जो टू वन को रिप्रेजेंट करेगा इस टू वन कैप, टू वन के साथ टू वन, वन टू के साथ वन टू, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे F12 और F21 का मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square, क्योंकि कूलम लॉ ने मैग्नीट्यूड तो बताया, डायरेक्शन नहीं बताई। तो मैंने लिख दिया 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square, यहां तक क्लियर है। लेकिन मुझे इसमें क्या लिखना है, वेक्टर। तो F12 वेक्टर इज 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square, वैल्यू तो आएगी आएगी, साथ में क्या आएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के लिए पीछे क्या लगेगा, यूनिट वेक्टर। अब वन टू को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, वन टू वाला, और टू वन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वन वाला, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो वन ही रहेगा। तो डायरेक्शन पीछे लगने से, इसकी वैल्यू पीछे लगने से यह पता लग जाता है कि इसकी डायरेक्शन कहां है। यह स्टेप क्लियर है? तो हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो ये F1 वेक्टर और F21 वेक्टर आ गया। अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें, चलो अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें, तो मैग्नीट्यूड पूरे का पूरा कैंसल, क्या बचा, बस यूनिट वेक्टर बच गए, राइट। और मुझे ये पता है कि R12 और R21 का मैग्नीट्यूड तो 1 है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन इज ऑपोजिट। वैल्यू तो बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगर ये इनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि कूलम की फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, कि दो चार्जेस आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल तो होती होती है, साथ में ऑपोजिट भी होती है। तो अगर एनसीईआरटी के अंदर ये प्रूव करने को आ जाए, प्रूव दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो पूरा डायग्राम के साथ आपने यहां तक लिखना है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक ये प्रूव हो जाएगा? डेरिवेशन है ये, हाउ टू ड्राइव, कि ये प्रूव करना दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, ये प्रूफ रजिस्टर में लिख के लाना है सारा कुछ, जितना भी काम है, राइट, प्रैक्टिस करके।
अब एक और प्रॉब्लम जो आती है जिसमें या तो कंपटीशन में आएगी, एनसीईआरटी दोनों में आ सकती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है अगर आपने नहीं देखा ध्यान से तो। ठीक, बड़े फोकस तरीके से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको F12 वेक्टर लिख के दिखाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के पीछे क्या लिखा, R12 कैप। कोई डाउट इसमें? राइट। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डन, यहां तक क्लियर है? तो यहां पूरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड, R12 का जो मैग्नीट्यूड है इटसेल्फ वो R ही है, क्योंकि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है। मैं कैप की बात नहीं कर रहा, R12 कैप नहीं कर रहा, R12 वेक्टर की बात कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, एनी केस आप इसको ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, सेम डायग्राम है, यहां Q2 Q1 R1 वेक्टर R2 वेक्टर है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहा हूं जो इधर से इधर जाएगा, तो ऊपर के डायग्राम में इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय R21 कैप, वो यूनिट वेक्टर था। पूरा कंप्लीट वेक्टर के लिए R12 वेक्टर। R12 क्यों लिया? क्योंकि अगर आपको याद हो ये वेक्टर क्या था, F(12 वेक्टर। ऊपर से देखो जरा ध्यान से इस डायग्राम में, ये रहा, ये क्या है, F(12। तो इधर कौन सा यूनिट वेक्टर जाएगा, R12, और पूरा वेक्टर क्या बनेगा, R12 वेक्टर। तो एक काम करो, पहले तो इस डायग्राम में जो नीचे वाला डायग्राम है इसके अंदर यहां पे लिखो F(12 वेक्टर, ड्रॉ करो F(12 वेक्टर, ऐसे इस तरफ ड्रॉ करो F(12 वेक्टर, ऐसे F(12 वेक्टर, राइट, ताकि आपको याद रहे F12 के साथ ही R12 जा रहा है, 1 2 1 2 याद रहेगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है। जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट होता है, तो R1 वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। ये स्टेप क्लियर है, ट्राइंगल लॉ। और क्या मैं लिख सकता हूं, R12 वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ट्रायंगल लॉ। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, राइट। और R12 वेक्टर का मॉड क्या होगा, R, इसकी वैल्यू क्या होगी, R। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखना है, स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जगह मैंने R लिख लिया, तो R into R क्या बन गया, R का क्यूब। तो जिन लोगों को यहां कंफ्यूजन हो रही है वो प्लीज ध्यान से देख लें, R12 वेक्टर का मॉड इटसेल्फ क्या होगा, R, और R12 वेक्टर का क्यूब और क्यूब एक ही बात है। मैं R क्यूब लिखूं या इस वेक्टर का मॉड का क्यूब लिखूं, बात एक ही है। तो आप चेक कर सकते हो, R लिख लो या फिर R12 का क्यूब लिख लो, एक ही बात है। और यहां पर तो ठीक चल ही रहा है, यहां तक स्टेप क्लियर है। एक आखिरी स्टेप और देखना, R12 वेक्टर का मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, एक ही बात है। मतलब मैं ये लिख लूं या ये लिख लूं, बात एक ही है, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। कोई डाउट इसमें? तो आप चेक कर सकते हो, ये ऐसे सही है, R का मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब। ये स्टेप क्लियर है, ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म है कूलम लॉ का। अब बारी है याद करने की, इतनी लंबी कहानी थोड़ा लिखोगे न्यूमेरिकल में, अगर आ जाएगा तो याद ऐसे करना है, ध्यान से देखना। अगर ये 1 2 है, 1 2, तो यहां आएगा 1 माइनस 2, यहां भी 1 माइनस 2 का क्यूब। लेकिन अगर ये 2 1 है, अगर ये 2 1 है, R2 और 1 2 और 1, पॉइंट क्लियर है। पहले कोई टाइम था जब एनसीईआरटी में बोर्ड वाले पूछते थे, राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उठा के बस बनाया वेक्टर आंसर, 90 नंबर। इस साल क्या आया, गिवन Q1 इज इक्वल टू 1, Q2 इज इक्वल टू 2, कूलम चार्ज का पोजीशन वेक्टर बनाना खुद, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पहले चार्ज के दूसरे चार्ज के गिवन है, राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन न्यूमेरिकल के साथ। ये डिफरेंस था पिछले साल के पेपर और इस साल के पेपर में, आउट ऑफ कोर्स पेपर नहीं था। आप एप्लीकेशन देखो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है वही कर पाएगा, जो याद करके गया वो नहीं कर पाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना है,
ये फॉर्मूला क्लियर है? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, इधर Q1 का पोजीशन वेक्टर बनाने जा रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, तो क्या बनेगा? 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। ऐसे इसके लिए i कैप, 2j कैप और 3k कैप। मुझे F12 वेक्टर निकालना है, ये टर्म लिखी मैंने, फॉर्मूला लिख लिया F12 वेक्टर का, इसकी जगह 9 × 10⁻⁹, चार्ज Q1, Q2, 1 एंड 2 गिवन है। ध्यान आगे प्लीज, जहां R1 वेक्टर है, जहां R2 वेक्टर है, इस वेक्टर की जगह ये, इस वेक्टर की जगह ये माइनस कर लें, तो R1 वेक्टर R2 वेक्टर की जगह वैल्यू पुट ऊपर भी और नीचे भी, इसका होल क्यूब मॉड चल रहा है, ये स्टेप क्लियर है? R1 वेक्टर R2 वेक्टर को माइनस कर लो, i में से i, j में से j, k में से k, ये आएगा ऊपर भी और नीचे भी सेम, इसको तो ऐसे ही रहने दो। वेक्टर का फॉर्मूला प्लस वन से, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर ऐसा गिवन है a वेक्टर, और आप a वेक्टर का मॉड निकालना चाहते हैं, तो i के कोफिशियंट का स्क्वायर, j के कोफिशियंट का स्क्वायर और k के कोफिशियंट का स्क्वायर, ये देखो इसका मॉड 3 को छोड़ो, इसका मॉड क्या देगा आपको? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब ही लगा दो, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू पावर हाफ, तो हाफ इंटू 3 क्या होगा? 3/2। दिस इज द आंसर हाउ टू राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है यहां तक? और सिमिलरली ये होमवर्क है आपका कि अगर दो चार्जेस गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, आपको क्या करके लाना है घर से? F of 2, 1 वेक्टर।